हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बूम में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था सेक्शन से केंद्र प्रायोजित योजनाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब और कहाँ हुई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को मनरेगा भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में हुई थी 2006 में। दूसरा क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत न्यूनतम कितने दिनों का काम उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो न्यूनतम 100 दिनों तक, 100 दिन प्रतिवर्ष, एक वर्ष में 100 दिन तक काम उपलब्ध कराने का सरकार की गारंटी है। अगर सरकार 100 दिनों तक रोजगार नहीं दे सकती है तो 100 दिनों तक रोजगार भत्ता देगी बिना काम कराए। तीसरा क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के व्यय वहन में केंद्र व राज्य का अनुपात कितना पाया जाता है? कहने का मतलब कि मनरेगा योजना के तहत जो खर्च होंगे उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात कितना होगा? तो ये अनुपात 9:1 है, यानी कि कुल खर्च में 90% केंद्र सरकार देंगे और 10% राज्य सरकार। चौथा क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सबको 2025 तक रोजगार देना है। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो यह आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। छठा क्वेश्चन है, सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने, छठा क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, छठा क्वेश्चन है, सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु भारत सरकार ने किस योजना का शुभारंभ वर्ष 2014 में किया? तो यह योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना के तहत सभी सभी परिवारों को बैंक खाता खुलवाया जाएगा। सातवां क्वेश्चन, देश को डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न एवं सूचना अर्थव्यवस्था बनाना किस योजना का उद्देश्य है? तो इस योजना का नाम है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, भारत को विनिर्माण सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, तो भारत को विनिर्माण क्षेत्र का केंद्र बनाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना संचालित की है? तो इस योजना को आप जानते होंगे, मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है श्रम कानूनों में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये योजना 2000
14 से शुरुआत हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये शुरुआत हुई 2014 में और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य है घर घर में शौचालय का निर्माण, घर घर में शौचालय। शौचालय का निर्माण हम आपको बता दें कि बिना घर घर में शौचालय का निर्माण किए हुए स्वच्छ भारत मिशन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वच्छता के लिए शौचालय का होना अनिवार्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ? तो ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत 2015 में हरियाणा में हुआ। हम आपको बता दें कि हरियाणा का लिंगानुपात देश में सबसे कम है। वहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पे लड़कियों की संख्या 879, हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, जो कि देश में सबसे कम है। वहां से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुई? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 2014 में शुरुआत किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, युवाओं को व्यावसायिक व तकनीकी ज्ञान के रूप में कौशल विकास की शिक्षा दिलाना किस योजना का उद्देश्य है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत सरकार ने बेरोजगारों को कौशल ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कौशल ऋण योजना। कौशल ऋण योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब की? तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई है, जुलाई 2015 में किया गया है। इसके अनुसार बेरोजगारों को व्यावसायिक एवं तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार की दिशा में व्यापक बदलाव हेतु कौन सी योजना संचालित की है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार की दिशा में व्यापक बदलाव हेतु कौन सी योजना संचालित की है? तो इस योजना का नाम है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना काफी फेमस योजना है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार ने 18 से 70 आयु वर्ग के लोगों के लिए कौन सी बीमा योजना प्रारंभ की है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से किस आयु वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से किस आयु वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? तो ये 18 से 50 वर्ष के सभी भारतीय नागरिक लाभान्वित होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2022 तक प्रत्येक गरीब के पास अपना घर हो, इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना का लक्ष्य 2022 तक प्रत्येक गरीब का अपना घर हो, प्रत्येक गरीबों को 2022 तक एक घर दिया जाएगा। और हम बता दें कि 2022 तक एक और योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि है भारतीय किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य है, भारतीय किसान की आय दुगना करने का लक्ष्य भी है 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 22, नए एलपीजी उपभोक्ता को बेहतर सुविधा देने वो ऑनलाइन कनेक्शन सुलभ कराने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2015 में किस योजना का शुभारंभ किया? तो एलपीजी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सहज योजना 2015 में लाई गई थी, जिसमें आप एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की? तो जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया। क्वेश्चन नंबर 24, देश की इंजीनियरिंग की चुनौतियों की पहचान करने तथा समाधान करने हेतु कौन सी योजना संचालित है? तो इस योजना का नाम है इम्प्रिंट इंडिया, इम्प्रिंट इंडिया। तो इसी प्रकार हम केंद्र से प्रायोजित जो परियोजनाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। स्टडी बूम में आपका स्वागत है।